जय भीम साथियों, आज आपको एक कहानी से रूबरू कराऊंगा, एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा। बाबा साहेब की एक सच्ची कहानी जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, किसी महापुरुष के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर बनकर पहली बार भारत वापस लौटे और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो लोगों ने, जितने भी कोर्ट के अंदर और वकील थे, सबने बाबा साहेब को देखकर ये पहचान लिया था कि ये तो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है। और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहेब वहां जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास अपने अपने ठिए होते हैं बैठने के लिए। बाबा साहेब को कोई ठिया नहीं मिला और बाबा साहेब जब ढूंढ रहे थे तो जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबा साहेब की ओर टोंट कसते हुए, बाबा साहेब की ओर चिचड़ाई मारते हुए बाबा साहेब से बोला, अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की, तुम तो बाहर भी कहीं ठिया लगा लोगे तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहेब ने उनकी उस टोंट मारने को गलत नहीं समझा, बाबा साहेब ने उस बात का बुरा नहीं माना और बाबा साहेब मुस्कुराते हुए ये बोले कि तुमने ठीक कहा। और बाबा साहेब कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया बाबा साहेब ने जमाया, साफ सफाई करके बाबा साहेब वहां बैठ गए। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बात बता रहा हूं, कहानी बहुत लंबी है, इतिहास के पन्नों में आप पढ़िएगा। और बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आने लगे, रोजी रोटी चलती रही, हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा। और उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी का एक बेटा, जो एक लौता बेटा था, उसको फांसी की सजा बोली गई थी। वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में, ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना घूमे, जिसके पास भी जाते और जिसको भी वो फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया उस सेठ ने, और वो सेठ ढूंढता 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 पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहेब बैठे हुए थे, हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल को दिखाया, एक लौते बेटे की फाइल को दिखाया, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से इनकार कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता है। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे, जो ये बोलते थे कि कानून तो हमारी मुट्ठी में है, ऐसे ऐसे वकीलों को वो फाइल दिखाई, लेकिन सबने उस फाइल को देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो वकील बैठे हुए थे, कुछ वकीलों ने फिर से बाबा साहेब के ऊपर टोंट कसते हुए बोला कि अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा, वो जो बाहर बैठा हुआ है, वो महार जाति का व्यक्ति, वो बहुत विद्वान है, वो पढ़ लिख कर आया है। वो बाबा साहेब पर टोंट कस रहे थे, हमारे मसीहा पर टोंट कस रहे थे, वो हमारे मसीहा पर चिचड़ाहट मार रहे थे। और जब, क्योंकि सेठ जो है वो मन से रो रहा था, उसे एक आशा की किरण चाहिए थी बस, क्योंकि उसका एक लौता बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने सुना, उस वकील ने उस सेठ से बोला, तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं पहुंच गया बाबा साहेब के पास, और उसके बाबा साहेब के चरणों में जाकर वो जा लौटा और बोला कि हे बैरिस्टर, हे बाबा साहेब, मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने बोला, सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या मदद करूंगा, ये फाइल तुमने किसी और व्यक्ति को, किसी और वकीलों को दिखाई होगी, उनको, उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए, मैं क्या करूंगा, मैं तो एक महार जाति का हूं, मैं क्या करूंगा, मैं तो नीच जाति से हूं ना। सेठ, आप बड़े बड़े वकीलों को दिखाओ। तो सेठ ने बाबा साहेब की शक्ल देखकर बोला कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकते हैं, वरना पूरी दुनिया की ताकत कोई मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती, ये मैं आपका चेहरा पढ़कर बता रहा हूं कि बाबा साहेब मेरी बात आप मान लीजिए, बैरिस्टर मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं तो एक बाप हूं, मैं उस पीड़ा को सहन कर लूंगा,
लेकिन जो इसकी माँ है, जब उसकी माँ को पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वो भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी बाबा साहेब, मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी। मेरा एक लौता पूत है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ा बिजनेस है, इसे कौन संभालेगा, क्या करूंगा मैं इसका। जब बाबा साहेब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी, तो बाबा साहेब को वो बात याद आई कि जब बाबा साहेब छोटे से थे, तो बाबा साहेब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी का पूत की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े, तो संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहेब ने फाइल देखी और बाबा साहेब ने फाइल देखकर बोला कि सेठ ये बताओ, ये फाइल तुमने अब से पहले किसी और वकील को दिखाई? तो सेठ ने बोला कि है बैरिस्टर, मैंने ये फाइल दिखाई नहीं, मैंने इस फाइल पे इतना नोट खर्च किया कि किसी की आने वाली तीन पीढ़ी भी कमा नहीं सकती, मैंने इतना नोट इस फाइल पर खर्च कर दिया है, बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे हाथ जोड़ के वो गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहेब के चरणों में गिड़ रहा था, बाबा साहेब के सामने हाथ जोड़ रहा था। और जब बाबा साहेब ने उसकी पीड़ा सुनी, उसकी फाइल देखी, तो बाबा साहेब ने बोला कि जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहेब माने केस लड़ने को, तो वो सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि मुझे यकीन है बाबा साहेब कि मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में मात्र 10 दिन का फासला था, फांसी को 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगी, कोर्ट लगा। आप सुनिएगा बड़े ध्यान से कि किसी व्यक्ति में इतना दिमाग कैसे हो सकता है। हम क्यों बोलते हैं कि हमारे जो मसीहा, हमारे रहबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही नहीं बोलते हम, ये बात इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा करके दिखाया। उनके दिमाग की बड़े बड़े लोग दाद दिया करते थे, किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोर्ट लगा, कचहरी लगी, कोर्ट के अंदर तो दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज ने बोला कि अंबेडकर तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तो बाबा साहेब ने बोला कि नहीं जज साहब, अपना फैसला सुनाइए आप, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सोच रहे हैं, अब वो सेठ बड़े संकोच में था कि ये इसने तो बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा और ये कोर्ट में कोई दलील भी नहीं दे रहा है। तो बाबा साहेब ने बोल दिया कि जज साहब आप फैसला सुनाओ। और वो सेठ अपने मन में कह रहा था कि अंबेडकर तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं करा बैरिस्टर, मैं बड़े आस के साथ तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर कह रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उसको लेकर गए, सुनिएगा बड़े गौर से और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, जब उस लड़के को फांसी की ओर लेके गए और उसके गले में फंदा डाला ही था, तो बाबा साहेब ने बोला बस जज साहब, बस आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत नहीं दी थी। आप देखिए बाबा साहेब का दिमाग। और उसी दिन से यह कार्रवाई चली जाती है कि सजाए मौत, अगर किसी को मौत की सजा देनी होती है तो सजाए मौत कहा जाता है, यह नहीं कहा जाता कि सिर्फ फांसी की सजा। बाबा साहेब ने कहा कि बस जज साहब, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत नहीं दी थी। और यह दिमाग देखकर बड़े से बड़े बैरिस्टर, बड़े से बड़े जो लोग बाबा साहेब पे टोंट कसते थे, जो हमारे मसीहा को नीच अछूत बताते थे, जो महर जाति का बताते थे, वो लोग चुप हो गए। और हमारे बाबा साहेब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उस मां के पास लेके गए कि ये ले तेरे तरह बच्चा। और बाबा साहेब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे हमारे मसीहा। और हमारे मसीहा ने हमें बहुत अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है। तो आप सभी से गुजारिश है कि बाबा साहेब की मूवमेंट में हिस्सा बनिए, इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए और समझिए कि बाबा साहेब का कारवां क्या था, उनकी कुर्बानियां क्या थी। किताबों में पढ़िए। जय भीम, जय भारत।